कैसे हैं दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टिश्यू सिस्टम क्या है और सिंपल और परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की थी। अब की बार हम लोग को जो बात करनी है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप बायोलॉजी या साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे आप अपने याद कर ले, कैसे आपके जहन में समा जाए वो सब्जेक्ट, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे, बेसिक क्या है, अगर आपने परमानेंट टिश्यू पूछा है तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रोल होता है उसका और कहाँ पर पाया जाता है, स्पेशली वो कहाँ पर होता है, जब तक आप प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली उसको समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आज आप क्लास 7th में इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आगे आने वाले समय क्लास में आप समझ लिए आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ज़रूरी यह है कि जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो उसको पूछिए और पूछ के फिर समझिए, क्योंकि यही वो समय आपको समझना होगा और अपने बेसिक को क्लियर करना होगा। अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वो कभी क्लियर नहीं, क्योंकि आगे वाले आने सालों में आपको एक लेवल और आगे पढ़ा जाएगा, फिर आप बेसिक पे वापस नहीं आ पाएंगे। तो बेसिक करना ज़रूरी है और इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। कभी भी उसको रोकिए नहीं, ज्ञान बांटिए जितना बांट सकते। वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कैसे समझा जा सकता है इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को। सो शुरू करते हैं आज का कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर सिंपली हम लोग बात करें तो नाम से ही लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो टिश्यू के बारे में हम लोग ने बात की थी, टिश्यू के डेफिनेशन के बारे में, तो टिश्यू वो होते हैं जिनकी ओरिजिन स्ट्रक्चर और फंक्शन, ऐसे सेल जिनकी ओरिजिन स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं और उनको टिश्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप देखिए, आप देखिएगा थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसको, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्क एज ए यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। अलग अलग सेल होंगी लेकिन वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे, तो ऐसे टिश्यू को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले समय में बहुत रोल आने वाला है इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, पूरी बॉटनी में आपको इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप, यहाँ पर हम शॉर्ट में इसको सीटी लिखेंगे, ज़्यादा हम लोग स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम लोग इसको सीटी यूज़ करके हम लोग इसको टर्मोलॉजी को काम चला लेंगे। तो टाइप अगर देखेंगे तो दो टाइप का है यहाँ पर, ये पहला होता है जाइलम और दूसरा टर्म आता है फ्लोयम। जाइलम अगर टर्म की बात करें तो किसने दिया था, नाइजेली नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को कॉइन किया था, नाइजेली ने। आपके लिए उतना ज़रूरी है नहीं लेकिन फिर भी आप जानते रहिए इसको, नाइजेली। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम का रोल क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रोल क्या, किसी का रोल क्या है और क्यों प्लांट में वो पाया जा रहा है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इसका बेसिक क्या है। तो जाइलम का रोल होता है मिनरल्स क्या होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये जितने भी हैं सारे आपके, मैग्नीज, सब क्या है, ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स और वाटर का कंडक्शन करता है, ये कंडक्शन करता है। कंडक्शन मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाता है ये मिनरल्स और वाटर को। तो मिनरल और वाटर कहाँ से मिलेगा इसको, ये प्लांट है आपका, ये इसकी सॉयल है, यहाँ पर आपका रूट है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, रूट का ये रूट स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये लीफ का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। तो मिनरल कहाँ से मिलेगा और वाटर कहाँ से मिलेगा, दोनों चीज़ मिलती है यहाँ सॉयल से मिनरल और वाटर। तो ये कैसे जाएंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरह के डिफरेंट प्लांट, मान लीजिए ये ब्रांचेस हैं तो ब्रांच में, यहाँ पर ब्रांच में जाएगा, यहाँ पर लीफ में जाएगा, वाटर हर जगह पर ये सर्कुलेट होगा नीचे से। तो
जाइलम कैसे फ्लो कराता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो है यहाँ पर, यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, डायरेक्शनल फ्लो है, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आप याद है। यूनी मतलब वन, डायरेक्शन मतलब एक दिशा में, तो एक दिशा में जा रहा है, केवल ऊपर की तरफ से फ्लो होगा मिनरल्स और वाटर का, तो ये हो गया यूनी डायरेक्शनल फ्लो जाइलम में हो गया। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग फ्लोएम को भी देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जाइलम देख लिया थोड़ा सा, अब देखते हैं फ्लोएम, फ्लोएम का फंक्शन क्या है। तो फ्लोएम ये हो गया फ्लोएम आपका, और फ्लोएम का फंक्शन देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन करता है? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है, लीफ में क्या न्यूट्रिएंट बनता है, फोटोसिंथेसिस में देखा था हम लोग ने, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा फोटोसिंथेसिस में। न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है यानी कंडक्शन करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा, ये हो गया प्लांट आपका, ये सॉयल हो गई, यहाँ पर आपने ये इसकी हो गई रूट स्ट्रक्चर, यहाँ पर रूट हो गया, यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर हो गया, ये लीफ का स्ट्रक्चर, यहाँ पर लीफ। तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा? लीफ में, लीफ से ये जाएगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी जा सकता है, तो यहाँ पर नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पर फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, बाई डायरेक्शनल फ्लो है, बाई डायरेक्शनल फ्लो है यहाँ पर। ठीक, अभी हम लोग जाइलम में देखा था यूनि डायरेक्शनल, और फ्लोएम में हम लोग ने देखा बाई डायरेक्शनल। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगी फ्लोएम और जाइलम के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाते हैं जाइलम के बारे में, तो जाइलम के डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जाइलम की स्टडी डिटेल में, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से फल, कौन कौन से पार्ट है, क्योंकि हम लोग ने पहले क्या बात की थी, बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्क एज ए यूनिट, तो कई टाइप की सेल होंगी जो एक तरह से काम करेंगे और जो पूरा बनाएंगी क्या, वो बनाएंगी जाइलम, उनको कम्प्लीटली क्या कहा जाएगा, जाइलम। तो लेकिन उससे पहले आप थोड़ा एक चीज़ देखें, इससे पहले आप लोकेशन देख लें कि जाइलम और फ्लोएम जो हम लोग बात कर रहे हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, वो प्लांट में। सो तो इससे पहले आप ये देखें, ये देखिए हमने ट्रांससेक्शनल, ट्रांससेक्शनल, ट्रांससेक्शनल अभी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, ये आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाली, ट्रांससेक्शनल व्यू देख रहे हैं हम लोग। ट्रांससेक्शनल व्यू क्या होता है, इसको देखिए, खीरा काटते हैं, सलाद का खीरा, सलाद का खीरा, राउंड राउंड खीरा ये काटते हैं हम लोग पतले पतले स्लाइसेस में, इसी को कहते हैं ट्रांससेक्शनल सेक्शन, इसको कहते हैं। अब जब इस खीरों को ऐसे ना काट के हम लोग भरवा करेला जो बनाते हैं, लंबा लंबा काट दें, अगर हम लोग लंबी लंबी में काट दें तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। अगर आप बायोलॉजी में आगे जाएंगे 11th 12th में, आप काफ़ी डायग्राम जो मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन का और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का, तो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, ध्यान रखिएगा इसको। तो ट्रांसवर्स सेक्शनल हम लोग देखते हैं, तो ट्रांसवर्स सेक्शनल देखने के लिए जैसे आप कैसे एक और इमेजिन करिए कैसे होगा, ये पेड़ का तना है, ठीक है, ये आपने ऊपर से काट दिया, तो ऊपर से काट देंगे, ये ऊपर से आप देख रहे हैं, यहाँ से आप आगे से ऊपर से देखेंगे तो ऐसे व्यू होगा आपको, ये राउंड शेप, तो ये राउंड शेप हमने ये उठा लिया है राउंड शेप, ठीक है। तो बाहर का जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहलाएगा, अंदर का रीजन ये जो है ये क्या क्या कहलाता है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ा जाएगा। कॉर्टेक्स मीन्स जो कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा वाला पोर्शन है, कॉर्टेक्स कराया जाएगा। फिर यहाँ पर अंदर साइड में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ऐसे ऐसे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब इस वैस्कुलर बंडल को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, हम यहाँ पर बड़ा करके देखेंगे यहाँ पर वैस्कुलर बंडल को, तो ये वैस्कुलर बंडल अंदर की तरफ ऐसे होगा, पॉइंटेड अंदर की तरफ पॉइंटेड होगा, दो पोर्शन में होगा ये हम सेंटर की तरफ वाले का बना रहे हैं, ये सेंटर की तरफ ऐसे होगा, ठीक है। तो बाहर वाले पोर्शन को कहा जाता है फ्लोएम, अंडरस्टूड, बाहर वाले को फ्लोएम, अंदर वाले को कहा जाता है जाइलम। तो ये हो गया जाइलम अंदर वाला, और बाहर वाला हो गया फ्लोएम।
ये हम लोग ने देख लिया कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जाइलम अंदर साइड में पाया जाता है और फ्लोएम बाहर साइड में पाया जाता है। तो अब हम लोग देख रहे थे जाइलम के टाइप, जाइलम कितने टाइप का, जितना जाइलम कितने पार्ट्स का बना होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जाइलम कितने पार्ट्स में बना होता है, किन किन पार्ट्स से मिलके जाइलम बना होता है। तो सबसे पहला पोर्शन हम लोग देखेंगे ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स टर्मोलॉजी पे नहीं जाइएगा, टर्मोलॉजी आपको टफ लग रही होगी अभी, लेकिन जब हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा पोर्शन है वेसल, तीसरा पोर्शन है जाइलम फाइबर। जाइलम को हम जेक्स एक्स से लिख रहे हैं और फाइबर हम लिखेंगे, बाकी सब शॉर्ट कर देगा, आप पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में नहीं लिखेगा। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब ट्रैकीड्स को हम देखते हैं, ट्रैकीड्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैकीड। तो ट्रैकीड को देखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। आपको ट्रैकीड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ट्रैकीड का स्ट्रक्चर है इलॉन्गेटेड शेप में है ये जी, इलॉन्गेटेड। इसको कौन सा शेप कहते हैं, इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड शेप है ये, अंडरस्टूड। पॉइंट देखिए क्या है, ये पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड है ये, पॉइंटेड है एंड इसका, पॉइंटेड। वॉल को देखिए, वॉल इसकी थिक वॉल्व है, थिक वॉल्व, थिक वॉल है यहाँ पर थिक। और प्लस अब दूसरा चीज देखिए, लिग्निन है यहाँ पर, लिग्निन वॉल है, लिग्निन वॉल, लिग्निन है यहाँ पर, ठीक है। और ये इसके स्पेस को जो कैविटी होती है, कैविटी, इस कैविटी को ल्यूमेन भी कहते हैं, ल्यूमेन, एल यू एम ई एन, ल्यूमेन कहा जाता है। और ल्यूमेन क्या है यहाँ पर, लार्ज ल्यूमेन है, लार्ज बड़ा ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने स्ट्रक्चर देख लिया, इसका ट्रैकीड का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे होता है। तो ये ट्रैकीड है यहाँ पर, ये पॉइंटेड एंड है उसका, यहाँ पर एंड बंद है। अगला ट्रैकीड जो लगा होगा वो उसके ऐसे लगा होगा, ठीक है। अगला ट्रैकीड यहाँ पर ऐसे लगा होगा, फिर अगला ट्रैकीड यहाँ ऐसे लगा होगा, एक ट्रैकीड दूसरे ट्रैकीड से यहाँ पर, एक दूसरे पे जहाँ पर टच करते हैं वहाँ पर वॉल्व उसकी थोड़ी पतली हो जाती है, उसे कहते हैं पिट्स। पिट्स में होता है गड्ढा, वैसे तो कहें पिट्स कहते हैं इसे। अब वाटर का फ्लो कैसे होगा, यहाँ पिट्स है, एक पिट्स यहाँ पर है, एक पिट्स यहाँ पर है, तो वाटर फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है जाइलम में। तो वाटर फ्लो होगा इस डायरेक्शन में ऐसे, फिर इस पिट्स को थ्रू इधर जाएगा, फिर इस पिट्स को थ्रू इधर जाएगा, फिर इस पिट्स के इधर जाएगा, फिर ऐसे वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता रहेगा। वेसल्स, वेसल्स क्या है, वेसल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर इसके जो एडजेसेंट सेल होती है, जो दूसरी वेसल सेल है, उसका ये चीज़ वॉल्व डिजॉल्व हो जाती है, ठीक। यहाँ पर देखिए एक दूसरी सेल है और इसकी वॉल्व डिजॉल्व हो जाती है। तो ये भी लिग्निन होता है इसमें, इसमें भी लिग्निन होगा। अब दोनों ही डेड सेल होंगी, ये भी डेड सेल होती है और ट्रैकीड भी डेड सेल होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ वॉल डिजॉल्व हो गई। तो वाटर का फ्लो कैसे होगा, ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा और सीधा सीधा ऊपर चलता चला जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा, दोनों ही लिग्निन होगा। यहाँ पर जो कैविटी आप देख रहे हैं, कैविटी, ये कैविटी कैसी है, ये कैविटी नैरो है, यहाँ पर नैरो है कैविटी, अंडरस्टूड। और यहाँ पर ये भी लिग्निन वॉल है और हार्ड वॉल है, ठीक है। तो ट्रैकीड का एक और फंक्शन है, ये ट्रैकीड अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग वाटर इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका। यहाँ पर वाटर फ्लो आपने देख लिया कैसे कैसे होता है यहाँ। अब जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा के हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जाइलम फाइबर और पैरेन्काइमा हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसको आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा पूछिएगा, उसको आप अपने से तैयार करिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरा चीज़ है फ्लोएम। अब फ्लोएम देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों हमारे लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लोएम का फंक्शन बताया था, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पेशली ग्लूकोज को ये कंडक्ट करता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो बाई डायरेक्शनल कंडक्शन होता है इसका। पार्ट्स की बात करें, कौन कौन से पार्ट्स इसके हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है सीव एलिमेंट।
सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट एक इसका पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीव एलिमेंट इसका एक पार्ट है, दूसरा एक पार्ट इसका कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल सब डिटेल में बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जहाँ भी आएगा उसका फंक्शन होगा स्टोरेज का फंक्शन, और फाइबर का जहाँ भी फंक्शन आएगा वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए फंक्शन आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड साइंस नहीं है। देखते हैं सीव एलिमेंट, सिंपल सीव एलिमेंट उठाते हैं एक पार्ट, और इसको हम लोग देखेंगे सीव एलिमेंट क्या होता है और उसका क्या रोल है फ्लोएम के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में क्या रोल है। तो सीव एलिमेंट की सबसे खास बात, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है यहाँ पर सीव एलिमेंट में। फिर अगर हम देखें टाइप्स के, दो तरह के सीव एलिमेंट हैं, एक होता है सीव सेल और दूसरा होता है सीव ट्यूब मेंबर, सीव ट्यूब मेंबर। ठीक है, अब सीव ट्यूब मेंबर की हम बात करते हैं, तो सीव ट्यूब मेंबर ये शॉर्ट है, इनकी लेंथ शॉर्ट होती है, हालांकि विड्थ इनकी वाइड होती है। शॉर्ट होते हैं लेकिन ये वाइड होते हैं। वहीं पर सीव सेल की बात करें, ये नैरो होंगे और ये स्मॉल होंगे, तो ये ज़्यादा कंटेंट कौन ले जाएगा, ये ज़्यादा कंटेंट कैरी करते हैं, लार्ज कंटेंट कैरी करते हैं, यानी ग्लूकोज का ज़्यादा अमाउंट, ये लेस कंटेंट कैरी करेंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करें, क्या स्ट्रक्चर है, तो स्पेशली हम लोग बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट की। सीव ट्यूब एलिमेंट की हम लोग पहले बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सीव सेल के ऊपर जाएंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब एलिमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा एकदम। तो ये है आपका सीव ट्यूब एलिमेंट, ये स्ट्रक्चर एक बना इसका, फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हमने, फिर एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हमने, फिर ये ऐसे ऐसे, अंडरस्टूड। अब ये क्या है, क्या चीज़, ये पूरे इस पूरे स्ट्रक्चर को सीव ट्यूब एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो ऊपर का टॉप का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सीव प्लेट। सीव प्लेट, सीव प्लेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीव प्लेट का स्ट्रक्चर जैसे अपने घर में छन्नी होती है, छन्नी ऐसे होगा और इसमें बीच बीच में पोर्स होंगे, ये ऐसे सीव प्लेट, इसको सीव प्लेट कहा जाता है। तो इसके जैसे ग्लूकोज अंदर बाहर हो सकता है इसमें से, ठीक। तो ये सी प्लेट है, ये भी स्ट्रक्चर सी प्लेट है, ये भी स्ट्रक्चर फ्ली प्लेट है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन, अच्छा कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो इसका काम है साथी, तो जैसा नाम है वैसा इसका काम है। ये किसका काम साथी है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो है उसका ये साथी है इसका, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है ये सीव ट्यूब मेंबर, इसमें जो है ये इसको का क्या कहता है, इसको कहते हैं सीव ट्यूब मेंबर, इस पोर्शन को सीव ट्यूब मेंबर कहा जाता है, इसको सीव ट्यूब मेंबर कहते हैं। अब ये जो सीव ट्यूब मेंबर होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ना न्यूक्लियस होता है, ना सा प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म होगा इसमें, यानी कि ऑलमोस्ट ये डेड टाइप का होगा ये। दूसरा अगर कंपेनियन सेल की बात करें तो उसमें ये न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। अब इसके न्यूक्लियस का क्या रोल है, क्योंकि ये जो कंपेनियन सेल है और इसका न्यूक्लियस ही इस सीव ट्यूब मेंबर को हेल्प करता है काम करने में, जो कंडक्शन होता है उसमें हेल्प करता है, तो पूरा कंट्रोल इस कंपेनियन सेल का होता है सीव ट्यूब मेंबर के ऊपर। ग्लूकोज का फ्लो कैसे होता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी होता है, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। जाइलम में हमने देखा था वो सिंगल डायरेक्शनल फ्लो था। अब ये जो कंपेनियन सेल है ये सीव प्लेट से किससे जुड़ी थी, यहाँ पर पिट्स होते हैं, पिट्स, पिट्स के द्वारा ये सीव ट्यूब मेंबर से जुड़ी होती है। चौथा सीव सेल का, लेकिन ये इलांगेटेड शेप में होंगी, एंड इनका टेम्पर्ड होगा यानी कि बंद होगा और एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, ओवरलैप करती हुई रहेंगी ये, ओवरलैप रहेंगी ये, और साथ में इनके जो सेल लगी होती है
उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जैसा कि उसमें था। तो जो साथ में सेल लगी होती है यहाँ पर उसे कहते हैं एल्ब्यूमिनस टाइप ऑफ सेल, एल्ब्यूमिनस टाइप, एल्ब्यूमिनस सेल। इसमें न्यूक्लियस होता है और इसका टोटल कंट्रोल होता है इस सीव सेल के ऊपर। अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है और जहाँ पर ये ओवरलैप होती हैं वहाँ पर पोर्स होते हैं, पोर्स। तो वाटर का फ्लो कैसे होगा, ऐसे ओवरलैप जहाँ पर होंगी ऐसे 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 इस पोर के थ्रू ग्लूकोज का कंडक्शन होगा, वाटर नहीं ग्लूकोज का कंडक्शन होगा यहाँ पर। ये भी पुराने प्लांट थे, यानी प्लांट का इवोल्यूशन होता है। एक सिस्टम था बायोलॉजी, आप जिसमें बात करेंगे एक टर्म आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है कि धीरे धीरे हर जो प्लांट है या एनिमल है वो अपने पुराने पूर्वजों से एडवांस होता गया, ठीक है। तो प्लांट्स भी अपने एडवांस होते गए, पहले आपके बैक्टीरिया आए, फंजाई आए, एल्गी आए, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऐसे बनते गए। इसी तरह से आप देखेंगे फिश आई, फिर उसके बाद एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल आए, फिर उसके बाद मैमल्स आ गए, आगे एडवांस बनते चले गए। तो उनके कुछ पार्ट्स में भी चेंजेस आते चले गए। जैसे अब ट्रैकीड देखेंगे तो ट्रैकीड और वेसल्स का ऑलमोस्ट रोल जाइलम में देखिए एक ही है दोनों का, वाटर कंडक्शन का। तो ट्रैकीड उन प्लांट में पाया जाता है जो पुराने प्रिमिटिव टाइप के प्लांट हैं, और वेसल्स वहाँ पाया जाता है जो थोड़े एडवांस प्लांट हैं। कभी कभी ये दोनों अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, किसी में ट्रैकीड पाया जाएगा, किसी में वेसल पाया जाएगा, किसी में दोनों पाया जाएगा। अगर ये दोनों साथ में पाए जाएंगे तो वेसल्स ज़्यादा रोल प्ले करता है क्योंकि ज़्यादा एडवांस है, इसलिए ज़्यादा वाटर कंडक्शन करता है। सेम चीज़ फ्लोएम में भी लागू होती है, यहाँ पर सीव सेल होंगे और सीव ट्यूब एलिमेंट होगा। तो सीव ट्यूब एलिमेंट एडवांस वर्जन है और सीव सेल ओल्डर वर्जन है। तो जितने पुराने प्लांट होंगे उसमें सीव सेल पाए जाएंगे और सीव नए प्लांट में सीव ट्यूब एलिमेंट पाया जाएगा, लेकिन कैपेसिटी जो होगी काम करने की कैपेसिटी सीव सेल की कम होगी और सीव ट्यूब एलिमेंट की कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस वर्जन है। फ्लोएम पैरेनकाइमा की बात कर लेते हैं, तो फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है पीपी कर देते हैं, तो फ्लोएम पैरेनकाइमा शॉर्ट में करते हैं। तो इलॉन्गेटेड होता है ये, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे जैसे हम लोग पहले ही पैरेनकाइमा में देखेंगे। डिपोजिशन फैट स्टोरेज का काम करेंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आपस में पिट्स होंगे यहाँ पर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सेल से आपस में ऐसे पिट्स होंगे, पोर्स, पिट्स मतलब पोर्स होंगे जिससे एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर इसमें अब फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं, पीएफ कर देते हैं इसको, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर भी बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये स्क्लेरन कैमेटस फाइबर होते हैं, जो स्क्लेरन कायमा हम लोग ने पढ़ा था उसी टाइप के ये फाइबर होते हैं। इनको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है बास्ट फाइबर, कभी कभी बास्ट फाइबर के नाम से भी आ जाता है कि बास्ट फाइबर का। इलॉन्गेटेड होंगे, पॉइंटेड नेडल के शेप में, ऐसे नेडल के शेप में होंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और मैच्योरिटी पे इनके डेड हो जाएंगे ये, तो फाइबर जैसे मैच्योरिटी पे डेड रहते हैं सेम ऐसे ही होगा। तो ये हम लोग ने कॉम्प्लेक्स टिश्यू वाला पोर्शन हम लोग ने आज फिनिश कर दिया है। टिश्यू के पोर्शन में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जब आप बाहर से आएगा या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आगे हम लोग इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहेंगे और जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प होती रहेगी। थैंक यू, गुड डे।